दोस्तों व्हाट्सएप फीचर्स कह लीजिए या फिर व्हाट्सएप की नई फीचर्स कह लीजिए, वो आने वाला है कुछ ही हफ्तों के अंदर। दोस्तों व्हाट्सएप फीचर जो है मई महीने के लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी या फिर आपको जून की फर्स्ट वीक के अंदर बहुत सारी ढांसू अपडेट जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा क्या क्या फीचर्स जो है व्हाट्सएप लाने वाली है। कुछ आप लोग को यहाँ पे जो है कैजुअल फीचर्स देखने को मिलेगी जो कि अपग्रेडेड फीचर्स है, और कुछ ऐसी प्राइवेसी कंसर्न फीचर्स जो है देखने को मिलेगी इस अपडेट के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या फीचर्स जो है व्हाट्सएप लाने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, जो कि स्टेबल अपडेट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, साइड में घंटी होता है वो भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। दोस्तों पहला अपडेट जो है वो है नाइट मोड की फीचर। तो नाइट मोड की फीचर बहुत दिनों से अफवाह फैल रही थी कि नाइट मोड की फीचर आने वाली है लेकिन फिलहाल जो है ये कन्फर्म हो गया कि ये आने वाली है। नेक्स्ट स्टेबल अपडेट में जो है आप लोग को नाइट मोड की फीचर देखने को मिल जाएगी व्हाट्सएप के अंदर। दोस्तों दूसरा अपडेट जो है वो है इमोजीज के ऊपर। तो इमोजीज में 155 इमोजीज जो थे व्हाट्सएप के अंदर वो सबको डिजाइन कर दिया गया और एक नई लुक एंड फील दी गई है हर एक इमोजीज को। तो जरूर से जरूर देखिएगा, आप लोग नोटिस कर पाएंगे कि बहुत सारी जो चेंजेस आई है व्हाट्सएप के अंदर जो कि इमोजीज सेक्शन में। तो 155 आइकॉन्स को जो है फुली रीडिजाइन कर दिया गया, नई टेक्सचर, नई कलर्स और नए डिजाइन के साथ ये व्हाट्सएप बीटा के अंदर देखा गया। तो कुछ ही दिनों के अंदर स्टेबल अपडेट में ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा फीचर जो है वो है व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स अगर आप लोग शेयर करते हैं दोस्तों के साथ और या फिर आपके दोस्त आपके साथ शेयर करता है कोई भी हो बंदा या उस कॉन्टैक्ट के अंदर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था ऐड टू कॉन्टैक्ट्स और उसका नंबर शो करता था। अभी जो है फिलहाल एक क्यूआर कोड एनाबल कर दिया गया है जिसके द्वारा आप लोग जो इजीली उसको स्कैन करके आपके कॉन्टैक्ट में उस बंदा या फिर बंदी को ऐड कर सकते हैं। तो ये हैंडी फीचर है जो कि नए अपडेट में आप लोग को देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल जो है बीटा के अंदर ये अवेलेबल है। तो उसके बाद दोस्तों चौथा ऑप्शन जो है कोई भी लोग जो है ना आपको रैंडमली कोई भी ग्रुप के अंदर आप लोग को पुट कर देता था, तो अभी जो ये ऑप्शन आप लोग खुद ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ये आप लोग एनाबल कर देते तो आपको जो है कोई भी बंदा या फिर बंदी आपको ऐड नहीं कर सकता किसी ग्रुप में, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कतें झेलने को पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है ताकि कोई भी आप लोग को अगर ऐड करना चाहे तो आपको इनवाइट भेजना पड़ेगा, वो आप इनवाइट एक्सेप्ट करेंगे तभी जाकर जो है वो बंदा या फिर बंदी आपको जो है ग्रुप में ऐड कर पाएगा। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी अपडेट्स है व्हाट्सएप की तरफ से कि वो प्राइवेसी के रिगार्डिंग बहुत सारी अनोखी जो अपडेट्स है वो लाई है। पहला जो अपडेट है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर होती है ना आपके फ्रेंड्स की या फिर फैमिलीज की किसी भी की, तो यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो आप ऊपर की तरफ आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाती थी जहां से आप लोग जो है प्रोफाइल पिक्चर को आपकी गैलरी में सेव कर सकते हैं। वो ऑप्शन जो है व्हाट्सएप हटाने वाला है। तो व्हाट्सएप को लगता है कि ये प्राइवेसी को डिच करता है, तो इसी के कारण जो है ये प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन हटा दिया गया है। दूसरा जो प्राइवेसी कंसर्न अपडेट है वो है कि आपकी प्राइवेट चैट्स के अंदर जो है स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते थे, बहुत सारी ऐसे केसेस देखी गई है, लोग क्या करते हैं ना कभी स्क्रीनशॉट क्लिक करके उनकी प्राइवेट चैट्स की उनके दोस्तों के साथ शेयर करते हैं या फिर कोई क्या करते हैं उन फोटोज को लेकर सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसी के कारण जो है ये फीचर लाया गया कि आप लोग जो है प्राइवेट कन्वर्सेशन के अंदर स्क्रीनशॉट जो है वो नहीं ले सकते। तो दोस्तों आप लोग सभी को पता है इंस्टाग्राम की स्टोरी जो होती है, फेसबुक की स्टोरी जो होती है, अभी जो व्हाट्सएप में स्टेटस का ऑप्शन है ये भी स्टोरी की तरह ही है। तो ये जो ऑप्शन है अभी आप लोग जो है व्हाट्सएप से डायरेक्टली जो है फेसबुक में सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ऐड टू फेसबुक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कुछ दिनों के बाद आप लोग इंस्टाग्राम का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ दिनों के अंदर। दोस्तों अगला जो फीचर है ये भी प्राइवेसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आप लोग जो है ना लास्ट सीन का ऑप्शन अगर आप लोग बंद करना चाहते तो वहां पे आप लोग को तीन ऑप्शन से मिलता था, नोबडी, एवरीबडी और माय कॉन्टैक्ट्स। तो आप लोग को एक चौथा ऑप्शन भी अभी देखने को मिलेगा जहां पे सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स के साथ जो है ना आप लोग लास्ट सीन शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हैंडी फीचर है जो लोग हाइड करना चाहते हैं, बहुत सिलेक्टेड लोगों को जताना नहीं चाहते कि वो ऑनलाइन है, तो ये फीचर उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों आशा करूंगा ये सब अपडेट्स आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत जल्दी ये व्हाट्सएप के अंदर आने वाला है, व्हाट्सएप बीटा के अंदर अभी अवेलेबल है। अगर आप बीटा प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग को ये शायद नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेबल अपडेट में ये सब जो है फीचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर प्रेस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और मुझे कुछ सजेशन देना है नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ या टाइप करो, कुछ भी आप लोगों को टाइप करना है टाइप कर देना, मैं हर एक को जो है रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, साइड में घंटी होता है वो भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, टिल देन हैव अ वंडरफुल डे, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय।